Hello friends, how are you guys? This is CA Mohit Agarwal from Calcutta. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर नवंबर 18 टर्म में CA इंटर का कैसा पेपर फॉर्मेट रहेगा, ऑडिट वगैरह का, लॉ का, SMEIS का, सर वो एक बार हम लोग के साथ डिस्कस करिए. तो लॉ का क्वेश्चन पेपर जो मई 18 में आया था वो तो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ ही है, उसका वीडियो भी बनाया हुआ है, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टर्म एंड what was the law paper of May 18 all about and what was the structure of the paper and how you should have attempted the paper. Already उसके ऊपर एक वीडियो बना करके डाला हुआ, उसको जरूर देखिएगा. अभी फिलहाल हम लोग ऑडिट का बात करते हैं. तो ऑडिट अगर अपने मई 18 का पेपर देखे तो उससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि नवंबर 18 ऑनवर्ड्स कैसा पेपर आने वाला है. और मई 19 से तो आप जानते हैं कि 30 मार्क्स का 30% का जो एमसीक्यू पैटर्न रहेगा मई 19 ऑनवर्ड्स. तो नवंबर 18 में व्हाट टू एक्सपेक्ट अपने एक बार चेक करते हैं. तो ये वीडियो उनको देखना चाहिए, दोज़ हू आर अपीयरिंग फॉर नवंबर 18 ऑनवर्ड्स और दोज़ हू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर मई 18 एंड व्हाट मिस्टेक्स दे शुड नॉट कमिट अगेन इन नवंबर 18 टर्म. चलिए लेट अस टॉक अबाउट ऑडिट पेपर. जैसा कि आप जानते हैं कि ऑडिट का पेपर जो था दोस्तों, इट वॉज ऑफ 120 मार्क्स. नाउ दैट ऑडिट पेपर ऑफ 120 मार्क्स वॉज डिवाइडेड इन टू थ्री कैटेगरीज. वो ऑडिट पेपर को आपका इंस्टीट्यूट जो है तीन प्रकार का क्वेश्चंस दिया. 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया था जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे, दो दो नंबर के, करेक्ट इनकरेक्ट आपको खाली करना था विद रीजनिंग. अब कुछ बचे करेक्ट इनकरेक्ट, अगर बिना रीजनिंग के देकर के आएंगे या एक एक लाइन का खाली रीजनिंग लिखेंगे उनको कोई नंबर नहीं मिलेगा. नंबर मिलेगा भी तो वो एट द मर्सी ऑफ द एग्जामिनर, एट द मर्सी ऑफ द पेपर चेकर. तो जब करेक्ट इनकरेक्ट बोला जाता है, एटलीस्ट यू शुड राइट 6-7 लाइंस टू सपोर्ट योर आंसर ऑफ करेक्ट एंड इनकरेक्ट, रिमेंबर इट. तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 35 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, 65 मार्क्स डायरेक्ट क्वेश्चन से. तो 20 का ऑब्जेक्टिव आ गया, 35 का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, 65 मार्क के डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे. इंस्टीट्यूट कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा जिससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए. 13 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, 13 के 13 चैप्टर से उन्होंने क्वेश्चंस पूछा. ये रहा एनालिसिस ऑफ द ऑडिट क्वेश्चन पेपर ऑफ सीए इंटर, ठीक है, कुछ इस प्रकार था. चैप्टर 1 जो कि सबसे फर्स्ट चैप्टर, बेसिक चैप्टर, नेचर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट है, उससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर आस. तीन क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, 15 नंबर का क्वेश्चन आया था. ऑडिट प्लानिंग वाला चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आया. चैप्टर 3 वाज ऑफ 4 मार्क्स. चैप्टर 4 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, अगेन 13 मार्क्स का क्वेश्चन आया. चैप्टर 5 फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया. नीरव मोदी वगैरह का फ्रॉड को देखते हुए अब चैप्टर 5 जो है ना इस टर्म के लिए, नवंबर 18 टर्म के लिए, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है. चैप्टर 6 ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, 10 मार्क्स का आया. चैप्टर 7 सैम्पलिंग एंड चैप्टर 8 एनालिटिकल प्रोसीजर से कम मार्क्स के आए थे. कमिंग टू चैप्टर 9, चैप्टर 9 ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आप यहां 20 देख रहे हैं बट एक्चुअली ना इसमें 20 मार्क्स में मैंने वो सभी क्वेश्चन इसमें पुट कर दिया है जो कि ना एक्चुअल में अकाउंट्स ओरिएंटेड थे. जैसे इसमें एक क्वेश्चन था, What are the revenue expenses which should be capitalized when assets are acquired? AS10 में इसके आंसर आपको मिल जाएंगे, अकाउंटिंग सेंटर 10 में, उसको भी मैंने इसी में डाल दिया है, ठीक है. 5 नंबर का वैसा क्वेश्चन आ गया था. अदर देन दैट कंपनी ऑडिट एज यूजुअल आना ही था, 17 मार्क्स का क्वेश्चन आया. ऑडिट रिपोर्ट 7 मार्क्स क्वेश्चन, ऑडिट ऑफ बैंक से एक क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, एंड जो ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज रहता है ना जिसमें हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिनेमा हॉल, ये सब को ऑडिट करते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था. तो 13 चैप्टर से इस प्रकार क्वेश्चन आया था. स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से डायरेक्टली एक ऐसे के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया था, वो चैप्टर के अंदर ही जो एसेज रहते हैं उसी से आए थे. जैसे आपको तो पता ही है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है चैप्टर 11 उसमें पूरा ऐसे का ही बात होता है, ऐसे 700 701 705 706, ये चारों ऐसे मैंने ऑलरेडी पिछले टर्म में बता दिया था कि भयानक इंपॉर्टेंट है. यूट्यूब में मैंने इसका वीडियो भी बना करके डाल रखा है, वो आप अभी भी नवंबर 18 के लिए देख सकते हैं. वापस यहां से क्वेश्चन आएगा, लगभग 3.5 घंटा का वीडियो है, वो आप यहां से पूरा देख सकते हैं, चारों एसेस उसमें कवर्ड है. 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. अब करना क्या, करना यह है आप लोग को ध्यान में यह रखना है, चैप्टर 1 वेरी इंपॉर्टेंट,
फॉर एवरी टर्म. तो आपके नवंबर 18 टर्म के लिए चैप्टर वन वेरी इंपॉर्टेंट. पता चलता है चैप्टर फोर का वेटेज देकर के चैप्टर फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो चैप्टर वन को इंपॉर्टेंस देना है. चैप्टर इंपॉर्टेंस सभी को देना है. यहां से मार्क्स ज्यादा नंबर के आते हैं, क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के आते हैं. चैप्टर वन वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर फोर वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर नाइन एंड चैप्टर टेन. अगर आपका प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो तो एग्जाम देने मत जाइए, कोई फायदा नहीं है. तो चैप्टर नाइन एंड टेन वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 13 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और इस सम के लिए मैंने फ्रॉड वाला जो चैप्टर बताया वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू आर फोकसिंग, गिविंग मोर इम्फेसिस ऑन कौन कौन से चैप्टर्स अपने डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर वन के ऊपर ज्यादा फोकस देना है नवंबर 18 के लिए. चैप्टर फोर के ऊपर फोकस देना है ज्यादा, फाइव के ऊपर, चैप्टर नंबर नाइन टेन. एंड 13, मेक श्योर इसके ऊपर आप ज्यादा टाइम दे. 1, 4, 5, आई अगेन रिपीट, चैप्टर 1, 4, 5, 9, 10 एंड चैप्टर 13. ओके, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन पेपर पैटर्न दैट वॉज सेट. ऑब्वियस बात है ये सब जो मार्क्स है ये उसी के ईद गीत घूमते हैं जो इंस्टीट्यूट ने भी सजेस्ट कर रखा है. नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन पेपर बॉयज एंड गर्ल्स. ऑब्वियसली मैंने लॉ के पेपर में बताया था, ऑडिट के पेपर में भी बता रहा हूं. इंस्टीट्यूट के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इंस्टीट्यूट अब आ गया है आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने देने में. यू आर ओनली रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन. ओल्ड सिलेबस वाले में 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे, आप लोगों को 5 अटेम्प्ट करना है. वो 5 में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है और रिमेनिंग 4 आपको अटेम्प्ट करना रहता है आउट ऑफ 5. क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी एज यू कैन सी, एंड अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस. ओके लवली, नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग द पेपर. जो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी रहता है वो इन लोग का ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, करेक्ट इनकरेक्ट, जिसमें 10 करेक्ट इनकरेक्ट आपको बताने पड़ते हैं, 2-2 नंबर के वो है. तो बहुत ही सिंपल करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन है दोस्तों. सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है कि फ्यू मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ डायरेक्टर्स लोग, जब मेंबर्स ऑफ द बीओडी बोला जाए ना तो ये मेंबर शेयर होल्डर्स नहीं होते. मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स वॉट, मेंबर्स ऑफ द बीओडी मीन्स डायरेक्टर्स, अपोज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एन एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज इंटरनल ऑडिटर. ठीक है, इंटरनल ऑडिटर का सेक्शन नंबर आपको तुरंत, ये सब इंटरनेट सुनते ही आपके मन में आना चाहिए, सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्टेटिंग मिस्टर एन इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. दरकार भी नहीं है, सेक्शन 138 के तहत आप आंसर लिख दीजिएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं रहता है इंटरनल ऑडिटर को. ही कैन बी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट और क्वालिफाइड सीएमए और एनी अदर प्रोफेशनल विच इंक्लूड सीएस ऑल्सो. तो ये बिल्कुल इसका आंसर मैं यहां पर सॉल्व करके रखा हूं, इनकरेक्ट है. तो इन लोग का ऑब्जेक्शन जो है वो इनकरेक्ट है, सीए नहीं भी है तो भी चलेगा. पॉइंट नंबर बी, ऑडिटर इज कंसिडर टू लैक इंडिपेंडेंस. बोलता है ऑडिटर के पास इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा अगर उसका पार्टनर क्लाइंट का शेयर सिक्योरिटीज में डील करता है. बिल्कुल सही बात है, कहां से ऑडिटर इंडिपेंडेंट रहेगा? हाउ कैन आई बी एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ माय पार्टनर इज डीलिंग इन द शेयर सिक्योरिटी? तो आपको बिल्कुल इसका आंसर 141 सबसेक्शन 3 में जाकर के डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिख देना है. ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन बोला 6 साल रखना है, गलत बात है. ऐसे 230 में बताया हुआ है मिनिमम 7 ईयर्स है. इंक्वायरी अलोन इज सफिशियंट, नो इनकरेक्ट. इंक्वायरी अलोन सफिशियंट नहीं रहता टू टेस्ट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, अदर प्रोसीजर्स आर ऑल्सो देयर. ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस ऑडिटर कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑल मिस्टेक मैनिपुलेशन. ऑडिटर भगवान नहीं है जो ऑल मिस्टेक मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई कर सके. अगेन ऐसे 240 में भी ये लिखा हुआ है, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू आइडेंटिफाई ऑल मैनिपुलेशन एंड मिस्टेक्स डन बाय द मैनेजमेंट. ठीक है, पॉइंट नंबर एफ में ये हुआ था कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर रिजाइन किया और केवल कंपनी को बताया और आरओसी को बताया विद इन 30 डेज. आपको तो पता होना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी का अगर ऑडिटर रिजाइन कर देगा तो उसको फॉर्म नंबर ADT 3 कंपनी आरओसी एज वेल एज CNDG, क्योंकि CNDG अपॉइंट किया होगा गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर को, तो CNDG को भी उसको बताना पड़ेगा. फिर के लिमिटेड अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, पॉइंट टू प्रेजेंटेड नॉन गवर्नमेंट कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st October. अच्छा, अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है 1st October को तो विद इन 30 डेज बीओडी अपॉइंट कर सकता है. यहां पर इन्होंने क्या हुआ, 2 गलती की इंस्टीट्यूट ने नहीं, कंपनी ने 2 गलती की. एक तो फर्स्ट ऑडिटर को डायरेक्टर साहब ने अपॉइंट किया फर्स्ट ऑडिटर को 31/12 को, तो 30 डेज के अंदर ही केवल बीओडी कर सकते थे, तो गलत. और ऊपर से एमडी ने अकेले अपॉइंट कर दिया, एक तो 30 डेज पार हो गया, ऊपर से अपॉइंटमेंट भी केवल एमडी ने किया, तो ये दोनों ही चीज जो है वो गलत हुआ. मतलब अगर कल को नेक्स्ट टर्म में क्वेश्चन आ जाए विद इन 30 डेज हो रहा है और अकेला एमडी कर रहा है तो वो भी गलत है, बीओडी करेगा, अकेला एमडी नहीं कर सकता अपॉइंटमेंट. ओके,
स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन, ये अपना 701 का क्वेश्चन था, ऐसे 701 का, कि ऑडिट मैटर्स अगर हम लोग ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दिए तो क्लाइंट को डिस्क्लोज नहीं करना पड़ता. गलत बात. माय डिस्क्लोजिंग की ऑडिट मैटर इन माय ऑडिट रिपोर्ट डज नॉट रिलीव द क्लाइंट फ्रॉम डिस्क्लोजिंग द नेसेसरी नोट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. When statistical sampling is used to select a sample, sample need not be represented. Sample has to be representative of the population. Whether it be any type of sampling, sample must be representative of the population. So, ये बात incorrect है. अब देखो कुछ कुछ question correct incorrect में बड़ा correct incorrect बोलने लायक नहीं रहता है. मतलब आप straight away correct या incorrect नहीं बोल सकते. देखिए एक बार पढ़ते हैं ऐसा question को, tricky question. तुमको answer आएगा बट तुम बोलेगा इसमें क्या करें क्या. Mr. A is a statutory auditor of ABC Limited. ठीक है यहां तक. Mr. A statutory auditor ABC Limited का. अच्छा बात, आगे बढ़ते हैं. Branch of ABC Limited is audited by Mr. B, another chartered accountant. मान लो मैं statutory auditor हूं ABC Limited का, उसका एक branch जिसको audit B ने किया. अब मैं request कर रहा हूं for the photocopies of documentation of Mr. B pertaining to the branch audit. अब मैं तो request कर ही सकता हूं, but सामने वाला दे, ये उसके लिए compulsory नहीं है, ये उसके लिए optional है. तो इसलिए आपको यहां पर पूरा आंसर लिखना पड़ेगा. ए तो रिक्वेस्ट कर सकता है बट बी इज नॉट बाउंड. ओके, तो बड़ा जिसका प्रिपरेशन सॉलिड रहेगा, जो कुछ नहीं छोड़ करके जाएगा, उसको पेपर हमेशा ही इजी लगेगा. टफ और इजी कुछ होता नहीं है. आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट. मेरे लिए चाइनीज टफ है बिकॉज आई डोंट नो चाइनीज. चाइनीज के लिए इंग्लिश और हिंदी टफ है बिकॉज दे आर नॉट गुड एट इंग्लिश एंड दे डू नॉट नो हिंदी एट ऑल. चलिए क्वेश्चन नंबर टू. कवरेज हमेशा पूरा करके जाया करिए दोस्तों. क्वेश्चन नंबर टू. अब यहां से ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अरे राम, जो टू का ए का क्वेश्चन आया, अगर मैं स्टूडेंट होता मैं तो मतलब खुशी से झूम उठता. टू का ए में आपको एक एक शब्द, केवल एक एक वर्ड लिखना था और एक एक वर्ड के ऊपर एक एक नंबर था. 5 marks फॉर 5 words. करेक्ट इनकरेक्ट भी उतना एक वर्ड का नहीं होता है. केवल एक वर्ड आपको लिखना था और एक वर्ड के लिए 1 marks मिलना था. आपको assertions के खाली नाम बताने थे. जैसे दोस्तों अपने जब ऑडिट करते हैं ऑफ द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपने एग्जिस्टेंस चेक करते हैं, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर चेक करते हैं, एसेट के केस में वैल्यूएशन वगैरह चेक करते हैं. वी चेक द एग्जिस्टेंस, वी चेक प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, वी चेक वैल्यूएशंस. तो ये सब assertions जो है, वी चेक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, वी चेक राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. तो ये सब assertions के नाम आपको जो है खाली बता देने थे कि एग्जिस्टेंस है, कि वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस है, कि वैल्यूएशन है, कि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर है, कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है. चलिए आइए, कि कंप्लीटनेस है. चलिए आप लोग गेस करिए. अच्छा इसको मैं ढक दे रहा हूं. अच्छा ढकूंगा कैसे, चलिए आप खुद अपना हाथ से ढक करके बताइए. ईयर एंड इन्वेंट्री वेरिफिकेशन. ईयर एंड इन्वेंट्री वेरिफिकेशन. तो ईयर एंड में इन्वेंट्री वेरिफिकेशन मीन्स वॉट? एग्जिस्टेंस. वी हैव टू चेक ना, we have to check whether the stock existing on the balance sheet date was actually there or not with the client. So isko bolte hai existence. Depreciation aap properly charge kiye hain ki nahi kiye hain assets ke upar, to assets ka valuation ke bare mein ho gaya. Title deeds land ka client ke naam par tha ki nahi, to rights and obligation ka baat kar raha hai. All liabilities are properly recorded. Completeness ka baat kar raha hai. Related party transactions ka properly aapne disclosure diya hai ki nahi, presentation disclosure. Khali ek ek word likhna tha, isko kuch explain nahi karna tha. Jab name bola hai to you need to only name. 5 out of 5 इसमें मार्क्स डिडक्ट नहीं हो सकता. फिर जो एएस से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, कि एक्सपेंसेस जो रेवेन्यू नेचर का है, अगर एसेट बनाने के लिए खर्चा किया करते हैं तो कैपिटल नेचर के बोले जाते हैं, तो उसको 5 एग्जांपल देना था. तो आप आराम से लिख सकते थे, मैंने यहां लिख करके भी रखा, सॉल्व करके भी रखा आपके लिए, कि लीगल. अच्छा मेरे मैट में सब कुछ है, पे नंबर वगैरह सब दिया हुआ है, ठीक है. तो जो जिनके पास मेरा मैट है वो तो पे नंबर रेफर वगैरह कर सकते हैं. लीगल एक्सपेंसेस, अब जैसे लैंड अगर खरीद रहे हैं और मैंने एक लॉयर को लिटिगेशन वगैरह चेक करने के लिए पेमेंट किया, कि मैं लैंड तभी खरीदूंगा जब लॉयर भाई आप मेरे को हरा झंडा दिखाओगे कि हाँ कोई लिटिगेशन वगैरह नहीं है, वी कैन अक्वायर द लैंड. रेशियो के वक्त जो लॉयर को रुपया देते हैं लीगल एक्सपेंसेस का, तो वो सब लीगल एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होता है. फ्रेट वगैरह जो आप इनकर करते हैं फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू योर प्लेस, तो वो सब कैपिटलाइज होता है. रिपेयर से अगर आपका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, कैपिटलाइज करना पड़ता है. वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन कैपिटलाइज करना पड़ता है. इंटरेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड कैपिटलाइज करना पड़ता है. तो 5 आपको यहां पर एक्सपेंसेस का एग्जांपल लिखना था, इसमें भी आपको 5 out of 5
इंस्टीट्यूट अगर देना चाहे तो दे सकता है, बट यहाँ पर थोड़ा डाइसी था, आपको डिस्क्राइब भी करना था. तो डिस्क्राइब, खाली नाम लिखने से नहीं होगा, आपको डिस्क्राइब करना था. तो ये सब चीज याद रखा करिए. कहाँ नेम बोला है, नेम मतलब जस्ट नेम देम, लिस्ट मतलब अगेन जस्ट नेम देम, डिस्क्राइब मतलब एक्सप्लेन, मतलब पूरा एक्सप्लेन करना. नेम और लिस्ट का मतलब खाली नाम लिखो, नंबर पाओ. प्रिंसिपल एस्पेक्ट टू बी कवर्ड बाय एन ऑडिटर व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओफ, कितना बार क्लासरूम में सिखाया गया था डिफरेंट डिफरेंट बैचेस में कि प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स जो रहता है टू बी कवर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसमें वही ना था, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम. प्रिंसिपल एस्पेक्ट जो ऑडिटर करेगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, चेकिंग ऑफ द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, वाउचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, चेकिंग विद द क्लाइंट हैज कंप्लाइड विद ऑल द नेसेसरी लॉज एंड रेगुलेशंस और नॉट. तो ये सब आप पांच नंबर का था, आप आराम से 9-10 ठो लिख सकते थे. ठीक है, अगर आप मेरा मैट देखना चाहें तो हम आपको मैट में भी ये अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हैं. It is nothing but reflection of institute's mat, but my mat covers every topic of the institute mat. If you are studying from institute mat, very good. If you are studying from my mat, very good. Both are same. So, page number 2, chapter number 1. Ye kaun sa question hai bhai, 2 ka si. Okay, here comes question 2 ka si, page number 2. Ye raha apne mat ka page number 2. Aspects to be covered in audit. Ditto, same question. Theek hai, important words jo yaad karna rehta hai, वो हम लोग हाईलाइट करके रखें ताकि स्टूडेंट को हाईलाइट ना भी करे वो क्लास में, और अगर क्लास सुने भी तो लिख सके. एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल, रिव्यूइंग सिस्टम प्रोसीजर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वेरिफिकेशन बैलेंस शीट पीएल, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी, ठीक है, रिपोर्टिंग स्टैट्यूट रिक्वायरमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद ऑर नॉट, ये सब चेक करना है. वेरी सिंपल. बैक टू द पेपर, बैक टू द पेपर बॉयज एंड गर्ल्स. या टू कडी List any 5 points. तो आपको खाली list करना था points को. That auditor should consider to obtain understanding of company's automated environment. तो जो automated environment आपका chapter number 6 है, page 96 है, वहां पर आपको ये वाला answer मिल जाता सर. ये आपको यहां से आपको answer लिख देना चाहिए था. Back to the paper. ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर आपको बोला है 5 पॉइंट, तो आपको 5 पॉइंट ही लिखना चाहिए ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर. ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर में आपको क्या लिखना चाहिए था कि ट्रू एंड फेयर व्यू के पहले आपको तो ऐसे नंबर लिख देने चाहिए थे. योर आंसर शुड बी कंटेनिंग ऐसे, रेलिवेंट ऐसे का नाम. अगर कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन वहाँ हिट करे तो कंपनीज एक्ट का वो सेक्शन नंबर आपको वहाँ लिखना चाहिए. जैसे यहाँ पर आपको आराम से अपना पेपर में ऐसे 200 के बारे में लिखना था, क्योंकि ऐसे 200 में ही तो लिखा हुआ ना कि ऑडिटर्स प्राइमरी ड्यूटी इज टू कमेंट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर ऑर नॉट, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इज टू कमेंट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर ऑर नॉट. 143, हाँ, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर्स. सब सेक्शन 2 में भी तो ऑडिटर का ड्यूटी है कमेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, तो आपको वो सेक्शन के बारे में लिखना चाहिए था. इसके अलावा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन याद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो सेक्शन था 129, 128 books of accounts are 129 financial statement. तो financial statement true and fair तभी दिखाएगा. 129 क्या बोलता है? Financial statement true and fair तभी दिखाएगा जब वो schedule 3 के हिसाब से अपना balance sheet PL बना रहा है. तो ये सब के बारे में आपको लिखना चाहिए था. फिर ना आपको ना directors responsibility statement के बारे में भी यहाँ पर लिखना चाहिए था, जो कि section 134 subsection 5 में लिखा हुआ है कि director का जिम्मेदारी है true and fair दिखाना, auditor का जिम्मेदारी खाली comment करना है. तो 134 subsection 5 में director must admit in the responsibility statement the director has selected such accounting policy, made such accounting estimates which are prudent and reasonable, which enables the books of accounts to show true and fair view. Fir to 5 attributes to be considered while verifying depreciation. Bada simple question tha, again audit of items of financial statement ka, depreciations ka. Fir chapter 9 ke पार्ट नंबर जो सी थे वो पूरे चैप्टर 9 के थे. सिंपल सिंपल सा वाउचिंग आपको दिया था, इंटरेस्ट इनकम कैसे वाउच करना है, डिविडेंड कैसे वाउच करना है, म्यूचुअल फंड का इनकम आपको कैसे वाउच करना है, लॉस ऑन सेल ऑफ अगेन और लॉस ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, और इसका डिस्क्लोजर एज पर कंपनी से कैसे होता है. अब डिस्क्लोजर एज पर कंपनी से कैसे होता है ये ऑडिट में भी आप सीखें और अकाउंट्स में भी आप सीखते हैं इसका डिस्क्लोजर के बारे में. तो ये चैप्टर 9 का सिंपल क्वेश्चन था बड़ा वाला. फिर दोस्तों कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का ए. Don't forget, huh? Question number 1 was compulsory and out of 5, you have to attempt only 4. So, question 1 compulsory and baad baki 5 mein 4. 4 ka A.
प्लान के लिए आपको क्या-क्या फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं बड़ा सिंपल सवाल था प्लान के लिए क्या-क्या फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ते हैं व्हाइल प्लानिंग द ऑडिट फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसीडर्ड आप बोल करके आराम से लिख सकते थे ऐसे 300 का क्वेश्चन था आपको ऐसे नंबर भी कोट करना चाहिए था वी हैव टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस तो नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस को एक्सप्लेन करते प्रीलिमिनरी नॉलेज होता है सब्सिक्वेंट नॉलेज होता है फिर आपको लिखना चाहिए था वी हैव टू एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स we have to determine and program the nature timing and extent of audit procedure we have to decide and determine how should we coordinate the work of the articles and assistants we have to determine the materiality level at the planning stage ye sab ko likhna chahiye tha fir karo se keval 4 number ka hi question aaya dosto company audit ka ek chapter hai karo usme aapko do to clauses ko do do number ka diya tha explain kar dena tha ek clause 14 tha aur ek clause number 9 tha limitations of internal control bada simple question tha chapter number 4 mein page number 66 ठीक है फोर का सी लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल आप आराम से लिख सकते थे कोई दिक्कत नहीं था दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सो यू कुड हैव इजीली रिटन देम ओके दोस्तों फिर दोस्तों सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर बड़ा सिंपल क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए फिर 5 का ए एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ Emphasis of matter paragraph ऐसे 706 का क्वेश्चन था फिर 5 का बी में मिस्टर आर वॉज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर बढ़िया बात है आर वॉज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही रिजाइंड आफ्टर 3 मंथ्स प्राइवेट कंपनी का ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया 3 महीना बाद तो आपको यहां पर यह लिखना था ना कि 3 महीना बाद रिजाइन किया तो ये कैजुअल वैकेंसी हो गया ना अब कैजुअल वैकेंसी बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन must be confirmed by the shareholders within 3 months to pehle to director appoint karega aur fir lekin uska final appointment confirm karega shareholders within 3 months in extraordinary general meeting lekin yahan par director sahab ne 30 days mein appoint kar dala aur shareholders se confirm nahi karwaya to pura case study based question hai first paragraph mein you should write related provisions of casual vacancy second paragraph mein you should write the facts of the case and third paragraph mein you should quote your conclusion ठीक है उसके बाद इंटरनल कंट्रोल में जो डेविएशंस वगैरह हो सकते हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन था यू कैन रेफर माय पेजेस एंड द चैप्टर्स फिर फ्रॉड से एक क्वेश्चन आया था तो अब जब फ्रॉड से क्वेश्चन आता है तो ऐसे 240 के बारे में आपको लिखना चाहिए 143 सबसेक्शन 12 एंड रूल 13 का रिक्वायरमेंट भी आपको लिखना चाहिए याद है ना 143 सबसेक्शन 12 रेड विद रूल नंबर 13 क्या बोलता है कि अगर फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा है तो ये रिपोर्ट हम लोग को जो है ऑडिटर को सीजी को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा along with the comments and observations along with the comments which were given by the audit committee or if the audit committee was not there by the board of director along with my observation on their comments ye sab hum log ko cd ko report karna padega aur yahan par fraud ka amount 100 lakh se zyada tha yani 1 crore se zyada tha aur bahut sare log ye galat kar dete hain ye koi bhi fraud ka nahi hota ye fraud done by the employee on the company hota hai aur ye to employee on the company wala hi fraud tha तो ऐसे 240 ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड्स एंड एरर्स इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 143 सबसेक्शन 12 रूल 13 आपको ये सब के बारे में यहां लिखना था फिर 6 में भी इनबिल्ट क्वेश्चन में आंसर एनी 4 था ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था आपको तो पता है ना मेरा रिलेटिव के पास अगर शेयर्स है तो 1 लाख रुपया तक का फेस वैल्यू ऑफ शेयर अलाउड है हम फिर भी क्वालिफाइड रहेंगे नहीं मेरे पास तो शेयर हो ही नहीं सकता क्लाइंट का मेरे पार्टनर के पास भी नहीं हो सकता बट मेरे रिलेटिव के पास हो सकता है 1 लाख रुपए तक का फेस वैल्यू अब यहां पर 25,000 शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था यानी 2.5 लाख रुपया हो गया यानी 1 लाख से ज्यादा हो गया तो ऑडिटर बिकम्स डिस्क्वालिफाइड लेकिन आपको चकमा देने के लिए मार्केट वैल्यू 90,000 रखा है इसका मेरे को कोई काम नहीं है फेस वैल्यू चेक करना है हमेशा ये कल को मार्केट वैल्यू 9 करोड़ दिया हो रहा है लेकिन फेस वैल्यू 1 लाख के नीचे हो तो चलेगा तो फेस वैल्यू 1 लाख तक का अलाउड था बट यहाँ तो फेस वैल्यू 2.5 लाख है जो कि 1 लाख से ज्यादा है तो बिल्कुल नॉट क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट क्वालिफाइड नहीं है हाँ और अगर रेक्टिफाई करना चाहे तो 60 डेज का टाइम दिया जाता है रिलेटिव को बोलो शेयर छोड़ दे कोऑपरेटिव सोसाइटी का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का बैंक ऑडिट का 5 मार्क्स का बड़ा सिंपल क्वेश्चन था देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था बैंक ऑडिट में नेचर ऑफ सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड टू बी ऑफर्ड टू द बैंक मिस्टर ए अप्रोचेस फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए और अब वो क्या सिक्योरिटी उसको ऑफर करेगा तो बैंक क्या क्या सिक्योरिटी लेता है वो आपको लिख देना चाहिए था अगर आप रैंडमली देखना चाहें कौन सा था ये 6 का सी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज ये रहा
These are the types of securities. Examples of the most common types of securities. ये सारे के बारे में आपको लिख देना था. Paper easy लगने लगा होगा दोस्तों. Six का the objectives of audit of local body. बड़ा simple question है. फिर जो risk रहते हैं IT system के अंदर. अब अगर आप IT system use करोगे तो बहुत सारे risks involved रहता है कि उसमें एक transaction trail missing होता है. उसमें विजिबल आउटपुट नहीं रहता है. इनपुट डॉक्यूमेंट्स सोर्स डॉक्यूमेंट्स का दिक्कत रहता है. वो सबको आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देना था. तो दिस वाज ऑडिट पेपर एनालिसिस. मैंने आपको पहले ही बता दिया है नवंबर 18 के लिए आपको किस किस चैप्टर्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. चैप्टर 1, 4, 5, 9, 10, 13. मेक श्योर टू कोट रेलिवेंट एसेज नंबर, कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर जहां जहां जो जो एप्लीकेबल है, और ऐसे नंबर तो पक्का से कोट करिएगा जहां जहां आंसर में आपको मौका मिलता है. तो इस तरीके से आप अपना ऑडिट का प्रिपरेशन जो है वो जोर शोर से करिए. एकदम टेंशन मत लीजिए. पहले जो जो हम चैप्टर्स आपको बोले हैं उसको कंप्लीट करने का कोशिश करिए. विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक. कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं. आप मेरे को मेल कर दीजिएगा मेरे वेबसाइट पे जाकर के, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पे 8017567120. रिप्लाई तुरंत नहीं आएगा. गिव मी एटलीस्ट 48 आवर्स टाइम सो दैट आई कैन रिप्लाई बिकॉज आई रिमेन बिजी विथ माई क्लासेस. बट मैं अगर कोई भी तरीके से आपको मदद कर सकूंगा आई विल ऑल्सो बी वेरी हैप्पी. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय.